हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th। टुडे वी समराइज द चैप्टर्स पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, ये हम एनसीईआरटी के टॉपिक्स को, वर्ड्स को समराइज करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। दैट इज चैप्टर समरी। समरी ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन। स्टूडेंट्स, इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी है इंटर रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द ए बायोटिक्स। तो जो ए बायोटिक होते हैं, ए बायोटिक सेक्टर का, ए बायोटिक सेक्टर का रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। दैट इज इकोलॉजी एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, ए बायोटिक्स और बायोटिक कंपोनेंट के रिलेशनशिप को इकोलॉजी नेम दिया गया है। इट इज कंसर्न विद होल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो है, जो लेवल्स होता है इन्वायरमेंटल का, ये जो अदर स्पीसीज और इकोलॉजी का रिलेशनशिप है जिसे हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट लेवल्स में, वो लेवल्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी एंड बायोम्स। टेम्परेचर्स, लाइट, वाटर एंड सॉयल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म आर एडेप्टेड टू वेरियस वेज। मेंटेनेंस ऑफ ए कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट्स, दैट इज होमोस्टेसिस। स्टूडेंट, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेनेंस करना ही होम्योस्टेटिस नाम दिया गया है। दैट इज होम्यो स्टेट इज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। बाय द ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट्स टू ए ऑप्टिकल परफॉर्मेंस, बट ओनली सम ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ होम्योस्टेटिस इन द फेस ऑफ द चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। बट ओनली सम ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ होम्योस्टेटिस, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम ऐसे होते हैं जो होम्योस्टेटिस बनाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ होम्योस्टेटिस जो वर्ड्स है, होम्योस्टेटिस मीन्स होता है मेंटेनेंस इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अपने एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, दैट इज होम्योस्टेटिस होता है। इन द फेस ऑफ द चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अदर आइदर पार्शली रेगुलेट दियर इंटरनल इन्वायरमेंट आर सिंपली कन्फर्म। ए फ्यू अदर स्पीसीज हैव इवॉल्व एडेप्टेशन, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो अपने एडेप्टेशन के लिए इवॉल्व होते हैं। एवॉयड अनफेवरेबल कंडीशन, जो अनफेवरेबल कंडीशन भी सर्वाइव करते हैं, इसके लिए सर्वाइव करने के लिए वो करते हैं माइग्रेशन। क्या करते हैं? माइग्रेशन। इन द टाइम एस्टिवेशन, हाइब्रेशन एंड डिस्पाज। स्टूडेंट, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए वो माइग्रेशन करते हैं। स्टूडेंट, जो हमने यहाँ एक वर्ड आपको अभी शो किया, ये माइग्रेशन, तो माइग्रेशन ऐसे, जैसे आपने सुने होंगे माइग्रेटरी बर्ड, तो माइग्रेटरी बर्ड जो है ये मूव करते हैं वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को एडेप्टेशन करने के लिए, इन द एस्टिवेशंस, हाइबरेशन एंड डिस्पोजेस।
evolutionary changes through natural selections takes place in the population levels and hence population ecology in the important area of ecology. A population is a group of individuals of a given species sharing or the competing for similar resources in the defined geographical area. Population have attributes to individuals organism do not. Birth rates and death rates, sex ratio and age distributions. The proportion of different age group of the males and females of a population is obtained presented graphically a age pyramid. Students जो है जिसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो जो डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं उनके रेशियो को हम लोग जो है एक एज पिरामिड से शो करते हैं. दैट इज प्रेजेंटेड ए जियोग्राफिकली पिरामिड, दैट इज एज पिरामिड. एज पिरामिड ऑलरेडी हम लोग अभी अपने वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि एज पिरामिड्स क्या होता है, उसको एक बार हम फिर यहाँ जो है आपको शो कर दे रहे हैं एज पिरामिड्स. हाँ तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं एज पिरामिड्स, दैट इज स्पेंडिंग्स स्टेबल्स एंड डिक्लाइंस. हाँ स्टूडेंट्स इसके अलावा हमने ये शो किया था. हाँ स्टूडेंट्स हमने एज पिरामिड के साथ साथ एज कर्व भी शो किया था, दैट इज एक्सपोनेंशियल कर्व एंड लॉजिस्टिक कर्व, जिसमें हमने ग्रोथ दिखाया था कि एक्सपोनेंशियल कर्व जो होता है अगर ये ग्रोथ करता है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में शो करता है जो है जैसे जो कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस कर जाता है, और सेकेंड जो है एक्सपोनेंशियल शो करते हैं सॉरी लॉजिस्टिक शो करते हैं जो कि एस शेप होता है. एक्सपोनेंशियल दैट इज जैसे एंड लॉजिस्टिक दैट इज एस शेप. हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ जो शो किया जा रहा है पॉपुलेशन ग्रो थ्रू बर्थ एंड इमिग्रेशन एंड डिक्लाइन थ्रू द डेथ ऑफ इमिग्रेशन. तो पॉपुलेशन जो डेंसिटी होता है वो ग्रो करता है बर्थ से ऐसे और इमिग्रेशन से, और डिक्लाइन होता है इससे इमिग्रेशन से, जिससे हमने इसको भी ग्राफ वाइज आपको शो किया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है. हाँ तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ को आप चेक कर सकते हैं. इस ग्राफ में हमने शो किया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, इस ग्राफ में ये नेटेलिटी जो है बर्थ रेट पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करता है. इमिग्रेशन जो है इसमें कोई पर्टिकुलर स्पीसीज किसी पॉपुलेशन पर्टिकुलर एरिया में आता है तो यहाँ भी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होता है. मोर्टेलिटी जिसे हम लोग कहते हैं डेथ रेट, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होती है. इमिग्रेशन अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज किसी पर्टिकुलर एरिया से वहाँ से किसी अदर प्लेस से मूव कर जाए तो वहाँ भी पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होती है. तो स्टूडेंट्स ये दो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाले हैं और ये दो फैक्टर जो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं. स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉप पॉइंट को हम चेक कर लेते हैं. इन नेचर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसी इन हैबिटेट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन बट इंटरेक्ट इन मेनी वेज डिपेंडिंग ऑन द ओवरकम. थ्री इंट्रैक्शंस बिटवीन टू स्पीसीज आर क्लासिफाइड एज कॉम्पिटिशन प्रीडेशन पैरासिटिज्म कॉमनसिलिज्म एमनसिलिजम्स. तो स्टूडेंट्स इसमें जो देख रहे हैं जो पॉइंट यहाँ दिया गया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि स्पीसीज टू स्पीसीज क्लासिफाइड कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि बोथ स्पीसीज सफ़र करता है. प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म में वन बेनिफिट होता है एंड वन सफ़र करता है. कॉमन सिलिजम में क्या होता है ये वन बेनिफिट होता है एंड अदर इज नॉन अफेक्टेड, अदर कोई इफेक्ट नहीं होता है. एमन सिलिजम में क्या होता है कि वन इज हार्म्ड अदर अनअफेक्टेड, जिससे हम जो है इसे एक टेबल के थ्रू हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. हाँ तो स्टूडेंट्स आप इस टेबल को वॉच कर सकते हैं. इस टेबल में हमने दिखाया था मिसलुजम में क्या होता है कि दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है. कंपटीशन में क्या होता है दोनों को हार्म होता है.
और प्रीडेशंस और पैरासिटिज्म में वन स्पीसीज को तो बेनिफिट होता है लेकिन अदर हार्म होता है। सेम ऐसे ही कॉमन सिलिजम और एमेंसिलिजम है। कॉमन सिलिजम में वन बेनिफिशियल होता है और वन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। एमेंसिलिजम में वन स्पीस को हार्म होता है, वन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें इस तरह से इस चैप्टर को हमने समराइज़ कर दिया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंस है। और जितने वर्ड्स हमने दिखाया है और ये जो टेबल आपको सामने टेबल 13.1 शो किया जा रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंस। ये मान लीजिए कि 100% क्वेश्चन इससे जो आपके नीट एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम बनते हैं। तो जो भी हमने आज समराइज़ किया है उसको एक एक लाइन अच्छी तरह वाच करेंगे, और कहीं अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो हमारे पे जो है कमेंट सेंड करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसका हम आंसर प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।